Now, there is a list of minus I groups. The series has been written, although you don't have again to remember this series, just look at it once or twice and have an idea where the groups are placed. ये वैलेंसी वाला साइड हो गया, मतलब इस साइड से ये इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस साइड से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है. दे आर एक्टिंग लाइक माइनस आई ग्रुप. व्हाई दे आर एक्टिंग लाइक माइनस ग्रुप? आप देखें, एनी ग्रुप विच बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन विल सर्टेनली एक्ट लाइक माइनस आई ग्रुप. कोई भी एटम मेटल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो सर्टेनली चेन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, क्योंकि वो अपने पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज का आने का मतलब हुआ कि उसमें नेगेटिव चार्ज कम है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो अपने चार्ज को कंपनसेट करने के लिए सामने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करेगा ही करेगा. और यदि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है, इट विल बिहेव लाइक माइनस आई ग्रुप. तो यदि आप देखें यहां पर, तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ माइनस आई ग्रुप्स विच इज बीन डिस्क्राइब ओवर हियर. नाउ यदि कोई आपसे ये जानना चाहे कि NR3 प्लस और NH3 प्लस में NR3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट क्यों ज्यादा आया, क्योंकि जनरली तो देखने में ऐसा लगता है कि R मतलब एल्किल ग्रुप हुआ, तो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा नाइट्रोजन की ओर, और यदि उसने नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए. यदि ये इस ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका पॉजिटिव चार्ज इन तीन एल्किल ग्रुप द्वारा न्यूट्रलाइज होना चाहिए. इट शुड बिहेव लाइक अ लेसर माइनस आई ग्रुप व्हेन कंपेयर टू द NH3 प्लस, जबकि NH3 प्लस में हाइड्रोजन है जिसका आई इफेक्ट जीरो होता है, तो दिस शुड बी अ बेटर माइनस आई ग्रुप व्हेन कंपेयर टू दिस वन. बट व्हेन यू सी द लिस्ट, दिस इज अ बेटर माइनस आई ग्रुप व्हेन कंपेयर टू दिस वन. और इसका जो प्रोबेबल रीजन दिया गया है, वो रीजन यदि कोई पूछता है, तो आप उसको रीजन ये बताएं कि यहां पर बड़े बड़े एल्किल ग्रुप होने के कारण इनके बीच रिपल्शन होगा, और जब इनके बीच रिपल्शन होगा, तो इसके कारण बॉन्ड एंगल बढ़ेगा. बॉन्ड एंगल बढ़ने से एस करेक्टर बढ़ता है, और जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है. ये रीजन आप इस जगह पे दे सकते हैं, यही इसका एक प्रोबेबल रीजन बुक्स डिस्क्राइब करती है. सो ऑब्वियसली मतलब यू कैन टेल इट दैट कि ड्यू टू बिगर एल्किल ग्रुप देयर विल बी रिपल्शन. आप चाहें तो इसको लिख लें, NR3 प्लस एक्स इज अ बेटर प्लस आई ग्रुप व्हेन कंपेयर टू NH3 प्लस एंड दिस इज बिकॉज बिगर एल्किल ग्रुप्स. एल्किल ग्रुप बेटा काफी बड़ा होता है, जिसमें मिथाइल ग्रुप का ट्री शेप होता है, और ट्री शेप होता है, इट इज अ बिगर ग्रुप. तो एल्किल ग्रुप्स के बीच में काफी ज्यादा रिपल्शन रहेगा. The bigger alkyl groups will repel each other. Due to which the bond angle will increase. And therefore the S character will increase. As the S character increases, electronegativity also increases. Now NO2 को देखिए आप, NO2 minus I group की तरह act कर रहा है, obviously. N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड यू लगा हुआ है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इट विल बिहेव लाइक व्हाट? इट विल बिहेव लाइक अ माइनस आई ग्रुप. SO2 को देखिए आप, यदि इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, तो S डबल बॉन्ड O R और इस तरफ वैलेंसी लग जाएगी, ये इधर मूव कर सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर पुल करेगा, अगेन इट विल एक्ट लाइक अ माइनस आई ग्रुप. CN में भी C इज बॉन्डेड टू N बाय ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज अ sp hybridized carbon which is certainly more electronegative than hydrogen. It will behave like a minus I group. Ye dekho, sulfur, nitrogen, they are all more electronegative than what? than hydrogen. Therefore all groups will behave like minus I groups. So certainly you should not have a problem in seeing this, whether the group will behave like plus I or the group will behave like minus I. The only problem which stands is this, how to remember this,
कि विच ग्रुप इज अ बेटर प्लस माइनस आई ग्रुप व्हेन कंपेयर्ड टू द लास्ट ग्रुप। तो ये चीज जो है वो आपको एक दो बार इस टेबल को ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। बाकी इसके आधार पे क्वेश्चंस कभी भी नहीं देखे गए कि माइनस आई ग्रुप के आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन सेट किए गए। नाउ सो दैट वाज बेसिकली अबाउट द प्लस आई ग्रुप्स एंड माइनस आई ग्रुप्स। नाउ आई विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट विथ यू। सो टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज आई इफेक्ट, what are plus I group, what are minus I groups. I have also told you that I effect is distance dependent. I effect distance dependent hota hai. Now application of I effect, अभी मैं आपसे सिंपल एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसा रेयरली कभी होगा कि आई इफेक्ट के आधार पर सिर्फ क्वेश्चन आए। जनरली क्या होता है, आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इनके मिक्स क्वेश्चन होते हैं। मतलब जहां पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है वहीं पे आई इफेक्ट दिख रहा है और अंततः आपको आंसर इन्हीं इफेक्ट्स के ओवरऑल प्रभाव कारण निकालना पड़ता है। बट अभी चूंकि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस पढ़ा नहीं है आपने, इसलिए मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। जब ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी तो मैं आपको एक शीट दूंगा और उस शीट से हम क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। नाउ सी दिस एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। नंबर वन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले आप समझें ये शब्द कार्बोकेटाइन क्या है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में एक टॉपिक है जो जीओसी के बाद हम लेंगे, जिसमें कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइंस, कार्बीन्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी, नाइट्रीन्स, कार्बोकेटाइन्स। जहां तक बेटा कार्बोकेटाइन का सवाल है, कार्बोकेटाइन का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। नाउ कार्बोकेटाइन इज कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग सिक्स इलेक्ट्रॉन्स in its shell, three electrons are there in its outermost shell, teen electron the aur teen isne hydrogen se share kar liye, so it has six electrons therefore it is electron deficient, ye electron deficient hai, iske baad do electrons ki kami hai. Now so carbocation is carbon bearing positive charge having six electrons in outermost shell, obviously the hybridization will be sp2 and structure is trigonal planar and the structure is trigonal planar, six electrons sp2 hybridization trigonal planar structure. Now see this, I am discussing with you the stability of carbocation. I have already told you what is the meaning of carbocation. Now, how does I effect explains the stability of carbocation? मैं आपको एक example देता हूं पहले। अच्छा, पहले आप लिख लें, stability of carbocation is directly proportional to, stability of carbocation is directly proportional to
प्लस आई ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप्स. द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप. Now see this. I will draw a carbocation. This is a 3-degree carbocation. Since the carbon on which the positive charge is present, that carbon is itself attached to 3 carbons. Therefore, this carbon is a 3-degree carbocation. Yaad ho aapko to degree of carbon kya hoti thi? Jitne carbon se wo directly juda hota tha. Ab carbocation ki degree puch raha hai. तो कार्बोकेटाइन की डिग्री आपको देखना पड़ेगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली. ये 3 कार्बन जुड़ा, दिस इज अ 3-degree कार्बोकेटाइन. नाउ दिस इज ऑब्वियसली अ 2-degree कार्बोकेटाइन एंड दिस वन इज ए 1-degree कार्बोकेटाइन. And last one, I'll write here, this is simple methyl carbocation. Now, if somebody is asking this question, which carbocation is most stable, then this is a plus I group, this is a plus I group, this is also a plus I group. All three plus I group will transfer the electron density through this sigma bond and neutralize this positive charge. Ya aap isko dusre tarike se soche to positive charge hai. तो वो तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करके कंपनसेट करेगा. और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पार्शियल चार्ज का ट्रांसफर होता है, इसलिए डेल नेगेटिव चार्ज इधर से मूव कर रहा है तीनों तरफ से, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर भी नहीं होगा क्योंकि वो फुल पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहां पर सिर्फ पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, विच इज वेरी लेस देन दैट फुल पॉजिटिव चार्ज. तो न्यूट्रलाइज तो होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा. इसके बाद में यदि आप इधर जाएंगे तो यहां पर दो जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो कर रही है, यहां पर सिर्फ मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो कर रही है. देयरफॉर आई विल से दैट दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, इज मोर स्टेबल देन दिस वन, बिकॉज यहां पर तीन तीन ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ दो ग्रुप कर रहा है, यहां एक कर रहा है, यहां पर कोई ग्रुप इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है. देयरफॉर दिस फर्स्ट वन इज मोस्ट स्टेबल, then second, then third, and then fourth one. Now that was one point regarding stability of carbocation. मैं आपको carbocation की stability में और कुछ points गिनाता हूँ. अभी हम बिल्कुल simple simple examples ले रहे हैं. जैसे मानो कि मैंने यहाँ CH2 positive लगाया हुआ है, यहाँ NO2 लगा दूँ, अगेन एक कार्बोकेटाइन बना दिया, और यहां पर मैं CH3 लगा दिया. नाउ सी दिस, यदि कोई आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो क्या है, इधर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो माइनस आई ग्रुप है, तो NO2 क्या करेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करेगा, जिसके कारण इधर डेल पॉजिटिव चार्ज है. तो ये ऑब्वियसली बात क्या है, नाइट्रोजन तो वैसे ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो क्या करेगा ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आए, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जब पास आएंगे, या आप ये बोलो कि ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर ट्रांसफर करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. हालांकि आप में से कोई बच्चे ये सोच सकते हो कि सर इस पे तो डेल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे तो फुल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा. तो मैं आपको एक बताऊं, आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख रहे हो तो आप इसके इफेक्ट को ना देखो, इस पर बाकी चीजों के इफेक्ट को देखो. ये तो जो है वो है ही, ये सिस्टम पे क्या असर दे रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है,
सिस्टम में जो चीजें लगी हुई हैं वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, आप ये देखने की कोशिश करो। तो यदि रिलेटिवली देखोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहां क्या हो रहा है, यहां पर प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ओर ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, जबकि यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि ये ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। तो मैंने आपको बताया चार्जेस इज समथिंग विच इज नॉट लाइक्ड बाय द एलिमेंट्स। चार्ज जो है, कोई एटम अपने ऊपर चार्ज बियर नहीं करना चाहता, चार्ज यदि एटम के ऊपर है तो वो अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन बन जाएगी। देयरफॉर यहां पे चार्ज बढ़ रहा है, दिस इज लेस स्टेबल, यहां पर चार्ज घट रहा है, दिस इज मोर स्टेबल, देयरफॉर दिस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस वन। याद करें आप, मैंने आपको क्या बोला था, प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, माइनस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। आप नोट कर लें इस एग्जांपल को। नाउ यहां पे आप NO2 देखें, NO2 इज माइनस आई ग्रुप, इसमें देखें, इसमें Cl इज माइनस आई ग्रुप, दोनों माइनस आई ग्रुप है। द Cl इज अ वीकर माइनस आई ग्रुप, इट इज वीकर माइनस आई ग्रुप, this NO2 is a stronger minus I group. Now, had it been, let me make some change in this example, then I will rediscuss this example, now it is there. So, since this is a weaker minus I group, this is a stronger minus I group, this will destabilize the carbocation more. Yaad rakho tum log, the stability of carbocation is inversely proportional to minus I group. So this is a stronger minus I group, it will destabilize the carbocation more. Ye jyada carbocation ko destabilize karega, beta positive positive ko support karta hai, negative negative ko support karta hai. Matlab kehne ka ye hai ki plus I group carbocation jis pe positive charge hai usko stabilize karta hai, minus I group carbocation jis pe positive charge usko destabilize karta hai. तो माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा है, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा है, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब क्या होता है, यहां पर ये माइनस आई ग्रुप इस कार्बोकेटाइन को ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस वन इज मोर देन दिस वन, क्योंकि ये ज्यादा कम डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, इट इज स्ट्रॉन्गर ग्रुप, देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सेकंड वन विल बी मोर देन द फर्स्ट वन। नोट इट डाउन। Let me make the change in this example now. Now there is positive charge. Same example is there. The only thing is that I have reduced one carbon in this example. So this is the third example that I am giving you. Abhi ekdam simple examples. Now see this. Yahan weaker minus I group hai. Yahan par stronger minus I group hai. Ye jo weaker minus I group hai, ye weaker minus I group pehle carbon pe laga hua hai, जबकि यहां पर स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है कार्बोकेटाइन से। देयरफॉर प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रॉन्ग तो है पर दूर है, ये वीक है पर पास है। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दैट आई अफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट अफेक्ट, आई अफेक्ट में डिस्टेंस इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर, डिस्टेंस हरदम डोमिनेटिंग फैक्टर होती है, क्योंकि चार्ज का जब ट्रांसफर होता है तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे जाते जाते चार्ज सिग्निफिकेंटली गिरता है। देयरफॉर NO2 का प्रभाव इधर से इधर पहुंचेगा जब, तो वो काफी कम हो जाएगा, वो उतना कभी नहीं रहेगा जितना कि इस Cl का प्रभाव है। देयरफॉर इफ द डिस्टेंस इज ग्रेटर, इवन इफ स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप इज प्रेजेंट, इट विल हैव लेस इफेक्ट व्हेन कंपेयर टू अ वीक माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट एट अ लेसर डिस्टेंस। ये कुछ इस तरीके से है कि आप ये देखो कि आपको कब लाइफ में डेंजर ज्यादा है, एक चींटी जो कि आपकी नाक के अंदर बैठी हुई है और एक हाथी जो आपसे एक किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है, तो आप खुद विचार करें कि आप पहले किससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे, हाथी से या चींटी से। तो ऑब्वियसली जो चींटी तुम्हारे नाक के अंदर बैठी हुई है, पहले आप उसी का कुछ इलाज करोगे, उसके बाद में हाथी के बारे में सोचोगे। तो जो
वीकर माइनस आई ग्रुप लेस डिस्टेंस पे है वो ज्यादा घातक है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप एट ए लार्जर डिस्टेंस। देयरफॉर अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। ये लास्ट क्वेश्चन में ऑर्डर लगाया था, इस वाले क्वेश्चन में अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, दिस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दैट वन। यू कैन नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। Now, see this question. इस क्वेश्चन में आप देखें वीकर माइनस आई ग्रुप है बट देर आर टू वीक माइनस आई ग्रुप और ये दो वीक माइनस आई ग्रुप इधर है एक स्ट्रॉन्ग वन स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। नाउ समझे आप प्रॉब्लम ये है कि दो वीक माइनस आई ग्रुप का अफेक्ट ज्यादा होगा या एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप का अफेक्ट ज्यादा होगा। डिस्टेंस यदि आप देख रहे हो तो डिस्टेंस दोनों ही केस में एक ही डिस्टेंस है, दोनों ही केस में एक ही डिस्टेंस पर एटम्स लगे हुए हैं, पहला कार्बन दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है और इधर पहला दूसरे पे दो सी एल लगा, इधर भी दूसरे पे एनआरसी प्लस लगा हुआ है जिसका कि बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। पर दो वीक माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं उनका नाम मैंने CLCL रख दिया। नाउ सी दिस, या मैं ग्रुप आप चाहें तो बदल देता हूं, हर बार CL लिख रहा हूं NO2 कर देता हूं। नाउ सी दिस, आप यदि कभी डिस्कवरी चैनल देखोगे तो उस पर एक प्रोग्राम आता है जिसके अंदर एक शेर जो है वो अपने मतलब शेर के ही बच्चों को मारने की कोशिश करता हो, तो उसमें दो शेरनियां उस शेर से लड़ने की आती है। यदि आप साइज देखोगे तो एक शेर का साइज एक शेरनी के साइज से ऑलमोस्ट दुगना है, बट यू विल सी दैट कि जब वो दो शेरनियां एक साथ लड़ाई करती हैं तो एक शेर को मिलकर भगा देती है। इसमें वो अपनी एक स्ट्रेटर्जी अपनाते हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद द आई इफेक्ट, इसलिए मैं वो स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ऑल्दो एक सामने से मारता है एक पीछे से मारता है, शेर कंफ्यूज हो जाता है, उसके बाद में वो भाग जाता है और ऑब्वियसली उस जंग में जो दो लोग जीते हैं वो हैं दो शेरनियां। ये आपने खुद भी देखा होगा, हालांकि मैं आपको लड़ाई करना नहीं सिखा रहा हूं अगेन, बट आपने खुद भी देखा होगा कि दो यदि बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे यदि एक बड़े बच्चे को सचमुच पटकना चाहें तो दो टांग वो पकड़ करके किसी भी तरीके से उनको गिरा सकते हैं। दिस यू विल सी, बशर्ते कि वो दो जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी काफी स्ट्रांग है कि मेरे को इस बड़े वाले को नीचे गिराना ही है। सिमिलरली ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है जिससे आपको याद रह जाए चीज क्या है, दो NO2 ग्रुप जो कि दो वीक माइनस आई ग्रुप है, दे आर दोज टू शेरनीज एंड दिस स्ट्रांग प्लस आई ग्रुप इज दैट शेर। तो जब शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए आती है तो उस वक्त वो शेर से किसी भी हद तक लड़ाई करने के लिए तैयार है, ये NO2 ग्रुप भी किसी भी हद तक इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए तैयार है जितनी उसकी क्षमता है उतना, और NR3 प्लस भी बेटा शेर वो भी अपनी क्षमता तक काम कर रहा है, बट ये दो मिलके इस एक का अफेक्ट को कम कर देंगे। देयरफॉर ये दो माइनस ग्रुप्स हैं, माइनस आई ग्रुप्स हैं, इनका अफेक्ट ज्यादा आएगा, मतलब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा कम हो जाएगी। देयरफॉर दिस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस वन। The two weaker minus I group will have more effect when compared to one stronger plus I, minus I group. The two weaker minus I group will have more effect than one strong minus I group. अभी यहाँ पे effect negative है, मतलब stability कम हो रही है। यदि इसकी जगह carbon पे negative charge होता तो उस case में stability reverse हो जाती, उस case में stability बढ़ जाती। अभी मैं आपको सिखाता हूँ
दिस वर 3-4 पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ऑल्दो अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, हाइपर कॉन्जुगेशन अभी टॉपिक आने वाला है, उसमें मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में कई चीजें बताऊंगा। इनफैक्ट यदि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझाना है तो मेजर इफेक्ट विच मेक्स यू लर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट अभी तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं। नाउ मैं इसको हटाता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं नई चीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। बेटा यदि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझ में आ गई है तो एक बात तय है कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज था, कार्बेनाइन में नेगेटिव चार्ज होता है। अ कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर और 3 शेयर कर रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिंस देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, दिस इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कनेक्ट दिस, द शेप इज लाइक अमोनिया, दिस इज पिरामिडल इन शेप, दिस कार्बेनाइन इज पिरामिडल इन शेप इफ द लोन पेयर इज नॉट कंसिडर्ड इन द ज्योमेट्री, क्योंकि लोन पेयर नॉर्मली दिखता नहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसलिए हम उसको ज्योमेट्री में नहीं मानते। यदि एग्जाम में एग्जामिनर ये बोल दे कंसीडर द लोन पेयर इनटू द ज्योमेट्री एंड देन टेल द ज्योमेट्री ऑफ कार्बेनाइन, उस केस में आप इसको एक जगह दे देंगे लोन पेयर को, और लोन पेयर को यदि आप जगह दे देते हैं तो लोन पेयर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और इन पॉइंट्स को यदि आप आपस में कनेक्ट कर दोगे तो ये टेट्राहेड्रल दिखेगा। बट चूंकि आप जानते हो ये बात, पहले आपने VSPR थ्योरी पढ़ा है 11th क्लास में कि लोन पेयर एक्वायर्स मोर स्पेस व्हेन कंपेयर्ड टू द बॉन्ड पेयर्स, तो दिस विल लुक लाइक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। बट बेटा सिर्फ तब जबकि वो आपको ये बात बोल दे कि लोन पेयर शैल बी कंसीडर्ड इन द ज्योमेट्री, ओनली इन दैट केस। यदि आपको ना बोले तो उस केस में आप इसका शेप पिरामिडल लगाएंगे, क्योंकि लोन पेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखता नहीं है। नाउ ये था कार्बेनाइन, मैं आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डिस्कस करता हूं अकॉर्डिंग टू आई अफेक्ट। अगेन कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है, सिर्फ सब ऑर्डर्स रिवर्स होने वाले हैं। आप देखें यहां CH3 CH3 एंड वन मोर CH3, हियर यू हैव दिस नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली ये प्लस आई ग्रुप्स हैं, ये प्लस आई ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप इस पर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से यहां नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब की बार स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, अब की बार डिस्टेबिलिटी हो रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, लास्ट टाइम पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा था, अब इसका रिवर्स हो रहा है। क्योंकि इसका रिवर्स हो रहा है, हर बार मुझे ऐसे शेप बनाने की एक्चुअली जरूरत तो नहीं है, बट मैंने बस आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए इसके लिए शेप्स बना दिए। नाउ यू सी दिस, मतलब ये बेटा तीन तीन जगह से नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है। ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज के कारण कार्बन परेशान है, वो नेगेटिव चार्ज नहीं चाहता है, आपने तीन तीन प्लस आई ग्रुप इस पर अटैच कर दिए और नेगेटिव चार्ज और बढ़ा दिया, ये तो कार्बन की और ज्यादा डिस्टेबिलिटी हो गई। दिस इज अ 3 डिग्री कार्बेनाइन, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बेनाइन, 1 डिग्री एंड दिस इज मिथाइल कार्बेनाइन। इन दिस कंडीशन द मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन इज मिथाइल ग्रेटर देन इथाइल ग्रेटर देन आइसोप्रोपाइल ग्रेटर देन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। सो दिस इज लाइक दिस, मतलब द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट यू सॉ इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसके बाद हम डिस्कस करें दूसरे एग्जांपल्स, अगेन दे आर सेम व्हाट वी डिस्कस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अभी चूंकि मैं आपको सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को उस लेवल तक कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं जिस लेवल में IIT जेईई में क्वेश्चन आएगा। और इस साल का पेपर आप देखो तो इस साल के पेपर का स्टैंडर्ड भी जो है आपको थोड़ा सा ऑन हायर साइड मिलेगा।
ऑब्वियसली मतलब यू विल नॉट फाइंड दीज क्वेश्चन इन जेई बिकॉज ये तो एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसके बाद तीन इफेक्ट और हैं और उसके आधार पे फिर फाइनली क्वेश्चनिंग होती है. सबके मिले जुले असर पे क्वेश्चनिंग होती है. नाउ सी दिस, हेयर इज एन ओ टू, हेयर इज सी एल. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रोथ. बेटा माइनस आई ग्रोथ मैंने आपको जैसे बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऐसे ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन is directly proportional to minus I growth and inversely proportional to plus I growth. यदि आपको याद हो तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बोला था, पॉजिटिव पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है, मतलब प्लस आई ग्रोथ प्लस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्टेबलाइज कर देता है, मतलब प्लस आई ग्रोथ नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा. आपने देखा इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में तीन तीन प्लस आई ग्रोथ थे, नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, डिस्टेबलाइज हो गया. अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करता है, माइनस ग्रुप. नेगेटिव नेगेटिव को सपोर्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को सपोर्ट करता है, कार्बोकेटाइन को सपोर्ट करता है, प्लस आई ग्रुप पॉजिटिव पॉजिटिव को सपोर्ट करता है. देयरफॉर इधर ले, यहां पर यदि आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, यहां पर देखें आप तो ये वीक माइनस आई ग्रुप. डिस्टेंस एकदम सेम है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, देयरफॉर मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस वन. कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ ऑर्डर रिवर्स हुआ है. जो लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था उसका जस्ट रिवर्सल इधर हो गया है. कंसेप्ट भी कुछ नया आपने नहीं सीखा है एक्चुअली इसके अंदर. नाउ आई विल मेक वन मोर चेंज ओवर हियर. इधर से मैं एक H रिमूव कर देता हूं और यहां एक Cl लगा देता हूं. टू वीक माइनस आई ग्रुप्स आर देयर, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है. एट द सेम डिस्टेंस यू नो दिस इट विल हैव बिगर इफेक्ट. अब की बार ये स्टेबलाइजेशन कर रहा है, लास्ट टाइम ये डिस्टेबलाइजेशन कर रहा था. इट विल बी मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस वन. बेटा Cl इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा जिसकी वजह से इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये डेल पॉजिटिव चार्ज जब इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो यहां पे कुछ ना कुछ चार्ज की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी. तो क्या होगा बेटा, उस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने में ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा खर्च हो जाएगा जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा. ये ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेंगे तो ऑब्वियसली आप ये मान सकते हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरीके से दूर जा रही है, मतलब इस कार्बन से दूर जा रही है. ये इस कार्बन के लिए अच्छी बात है, ये कार्बन नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं करना चाहता. एक और एग्जाम्पल जो लास्ट में मैंने आपको दिया था, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप. इधर एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा तो मैं इधर एक कार्बन बढ़ा देता हूं, इसको ट्वाइस कर दिया, मतलब दो तीन तीसरा कार्बन हो गया. इधर नेगेटिव कर देता हूं, इधर तीन कार्बन थे. यदि आपको कंफ्यूजन होता हो तो मैं इसको मिटा के इधर NO2 लगा. यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, although it is a strong minus I group, but distance is more, therefore it will be less stable, it will be more stable. Weak minus I group, but distance. Weak minus I वाले है, but distance is dominating